अरे भाई अनुभव हमारी राम राम भाई। मेरा नाम विक्रम, आपके अपने YouTube चैनल जय हरियाणा टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिन जिले में पहले 8 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले थे, अब उनकी संख्या है जो 8 से बढ़कर 9 हो गए हैं। जो एक व्यक्ति है, जो ये एक युवक है, ये पॉजिटिव कहाँ से मिले हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो ये महामारी बीमारी चली हुई है कोरोना वायरस जैसी, ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जो ये व्यक्ति हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ये दिल्ली से कोचिंग लेके अपने घर आए थे घसोकला, जो कि उचाना कला में ये गांव है जो पड़ता है घसोकला। तो ये व्यक्ति है पॉजिटिव मिले हैं, और उसके बाद जो उनके घर के हैं, दादा है, दादी है, या उनके माता पिता है, जो भी हैं, अभी उनका भी सभी का जो टेस्ट है वो भी होगा, ताकि उनका टेस्ट लिया जाएगा। उनका जो सैंपल है, सैंपल लेके जाएंगे और पता लगाया जाएगा कि जो ये कोरोना की जो महामारी बीमारी चली हुई है, जो उनके परिवार में उस युवक को ये बीमारी हुई है, ये बीमारी उनको तो ना हो। इसलिए उनको सभी को भी ये है जो टेस्ट उनके लिए जाएंगे। तो ठीक है भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, और फिर मिलेंगे नए अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और जय हरियाणा टीवी की। जो भी दर्शक जय हरियाणा टीवी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त जय हरियाणा टीवी को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, स्टे एट होम, स्टे एट होम, यानी अपने घर पर ही रहो। क्योंकि यदि आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित है। वो सुरक्षित कैसे रहेगा आपका परिवार? जब आप सुरक्षित रहोगे तो तभी आपका परिवार जो सुरक्षित रह पाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे। यदि आपको ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि ये महामारी बीमारी बहुत खतरे की बीमारी है। तो इसका एक ही इलाज अपने घरों में रहना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने हाथ है, हाथों को दिन भर में सैनिटाइज से धोना रहना चाहिए दिन भर में। और जो मास्क है, मास्क का इस्तेमाल करें। यदि आप गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं पर भी आप इकट्ठा ना हो, अलग अलग बैठे, दूरियां बना के रखें, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जो ये बीमारी है दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।